नमस्कार दोस्तों, सतीश वर्ल्ड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके सामने बॉलर एनिया का एक वॉक अराउंड वीडियो लेके आए हैं, जो आप देख सकते हो। ये इसका फ्रंट है, ये इसकी फॉग लाइट है, ये इसका हेडलाइट का यूनिट है जिसकी हेलोजन लाइट है, ये टर्न इंडिकेटर इसके लाइट में फिट किए हुए हैं। साइड में इसमें 15 इंची के व्हील है, 215/75/16। फेंडर पर इसका लाइट है, मिरर पर इसका कोई साइड इंडिकेटर नहीं है। ये ब्लैक क्लैडिंग ये पूरी गाड़ी के चारों तरफ घूमती है, जो कि फ्रंट से लेकर साइड तक जाती है। ये इसका टर्न इंडिकेटर है, जो कि बॉडी पे इंस्टॉल किया है। ये इसका मिरर है, इसके ऊपर कोई भी लाइट नहीं है। ये इसका ब्लैक कलर का हैंडल है, और ये जो सेकंड भी इसका ब्लैक कलर का हैंडल है। अभी आप इसमें देखोगे कि ये जो लाइन है ये गाड़ी के चारों तरफ गई हुई है। ये गाड़ी के 15 इंची के टायर हैं, 215/75/16 इनकी साइज है। ये गाड़ी में ब्लैक कलर का काफ़ी ट्रीटमेंट किया गया है। ये इसकी बैक लाइट है, जो आप इसको देख सकते हो पीछे से। ये बलोर नियो है, ये भी ब्लैक कलर का इसमें हैंडल दिया। गाड़ी में जितने भी दो चार पाँच हैंडल हैं, ब्लैक कलर के हैंडल दिए गए हैं। गाड़ी में फुटरेस्ट है, दो सेंसर गाड़ी में पीछे साइड दिए गए हैं। स्टेपनी जो है गाड़ी में पीछे लगाई गई है, ये आप देख सकते हो। ये भी सेम साइज़ का है, 215/75/R15। ये इसकी नॉर्मल लाइट्स पीछे को दी गई हुई हैं। अभी पहले वाली बोलेरो जो देसी बोलेरो है, ये बोलेरो नियो है, थोड़ा फ़र्क है। ये N10 वेरिएंट है, जो कि आप देख सकते हो पीछे बैजिंग दी हुई है। फिर से मैं क्लैडिंग की बात करूँगा। ये गाड़ी के चारों तरफ जाती है, आगे से लेके पीछे से होते हुए और साइड में। आप देख, ये बिल्कुल थोड़ा सा इसको अर्बन टाइप से इसको बनाया गया है। यहाँ पर आगे देख सकते हो गाड़ी का ये जो नीचे ब्लैक कलर की हल्की सी क्लैडिंग भी गाड़ी के नीचे दी हुई है, जो कि स्कॉर्पियो के बेसिक मॉडल में बहुत ज़्यादा दी हुई है। थोड़ा ये आईब्रो है, लेकिन ये है नहीं है। ये थोड़ा क्रोम गार्निश का फ्रंट में काम किया गया है। ये पुरानी महिंद्रा है, इसलिए अभी लोगो भी इसमें पुराना ही आ रहा है। ये साइड का व्यू, ये इसके फॉग लाइट हैं, नॉर्मल हेलोजन लाइट है। ये आईब्रो है, लेकिन ये आईब्रो है नहीं, लेकिन इसको कंटिन्यू रखते हुए दूसरे साइड तक इसको ले जाया गया है, जो कि बहुत फिटिंग एकदम अच्छी लग रही है इसके साथ में। अभी आप इसको वाइपर देख सकते हो, ये नॉर्मल है, इनकी कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है। ये स्कॉर्पियो क्लासिक में भी यही है और बॉलर में भी यही आ रहे हैं, जिनकी क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी। जो कि XUV700 और स्कॉर्पियो N में काफ़ी अच्छे वाइपर दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। ये एंटीना आप देख सकते हो, वाह, पीछे आता है गाड़ियों में, लेकिन इसमें ये एंटीना लगाया हुआ है। ये गाड़ी का थोड़ा सा अंदर के भी, अभी थोड़ी देर में मैं गाड़ी के अंदर के चल के आपको गाड़ी के अंदर के बारे में भी बताऊंगा। गियर लीवर है, जो पुराना ग्लोव बॉक्स है, जो कि ठीक है, डिसेंट साइज का है, कोई ख़ास नहीं है। इसका जो ग्रैप हैंडल हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। क्रोम फिनिशिंग में यहाँ पे ये ट्रीटमेंट किया गया है। बेज और ब्लैक कलर का यहाँ पे मैचिंग किया गया है। एसी वेंट पे भी इसमें ट्रीटमेंट किया गया है। डिसेंट क्वालिटी है, प्लास्टिक की कोई ख़ास अच्छी नहीं है। अभी आप देख सकते हो ये रेगजिन टाइप का इसमें सीट है, कोई ख़ास कपड़े का नहीं है, लेकिन ठीक है। बोलेरो नियो के अकॉर्डिंग जो प्राइस गाड़ी की रखी गई है 10,00,000 उसमें, और क्या ही मतलब बेस्ट चीज़ें दी गई हैं कंपनी के द्वारा। मैनुअल ORVM कंपनी देती है, क्योंकि ये देसी है, बॉलर है, तो लाइट है, मैनुअल। ये माइक है, और पीछे का आप ये देख सकते हो, इसमें बीच में आर्मरेस्ट दिया हुआ है मिडिल रो में। पीछे भी एक लाइट कंपनी के द्वारा दी गई है। ग्रैप हैंडल गाड़ी में दिए गए, क्योंकि ये SUV है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये इसमें 7 इंच का इन्फोर्मेंट सिस्टम है। मैनुअल AC है इसमें। ये AC का क्वालिटी बढ़ाने घटाने के लिए दिया गया है। ये AC को सर्कुलेट करने वाला स्विच है, ये आप देख सकते हो। गाड़ी का इनर व्यू, पुराना लोगो, ORV, ये कंट्रोल है म्यूजिक के, AC कंट्रोल ठीक है, क्वालिटी डिसेंट है, पर अच्छा स्टोरेज दिया गया कंपनी के द्वारा। कुछ सामान रहा, मोबाइल आप डाल सकते हो इसमें।
ये एक पैनल दिया गया है, कवर किया हुआ है इसको। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ऑटोमेटिक ORVM फोल्डेबल एंड रेक्टेंगल है, यहाँ से इनको आप मैनेज कर सकते हो। ये देखो मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ, ये आप इनको थोड़ा घुमा सकते हो। क्रोम का काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट किया गया है कंपनी के द्वारा। हैंडल पे भी क्रोम का यूज़ किया गया है। ये इसके कंट्रोल्स हैं, म्यूजिक ऑन ऑन, FSRC, रीसेट, सेट क्रूज कंट्रोल आप यहाँ पे कर सकते हो। ये इसका मैनुअल दिया गया है कंपनी में, ऑटोमेटिक नहीं है इसमें। कंपनी के द्वारा पुरानी बोलेरो और नई बोलेरो में काफ़ी चेंज किया है। ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB है, गियर हैंडल है जो कि अब थोड़ा स्मूथ कर दिया गया। ये इसके विंडो अप एंड डाउन कंट्रोल्स हैं, लॉक भी कर सकते हो। ये स्टोरेज है काफ़ी, में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है कंपनी के द्वारा। इसको देसी बोलेरो से काफ़ी अलग, इसमें पहले इस टाइप की गाड़ी TVO 300 थी, लेकिन अब उसको डिसकंटिन्यू करके कंपनी ने, ये ESS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप। दोस्तों इसमें इको मोड भी आता है कंपनी माइलेज अच्छी देने के लिए, गाड़ी काफ़ी अच्छी माइलेज देती है। ये लाइट के कंट्रोल्स हैं और ये इसके मिरर के कंट्रोल हैं। गाड़ी में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है सिल्वर का, इसमें कोई लेदर रैप नहीं है, ये नॉर्मल स्टेयरिंग है इसका। लेकिन इंटीरियर काफ़ी अच्छा है पुरानी बोलेरो के बजाय, इसमें ये कनेक्टिंग फीचर भी इसमें दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छी बात है। बोलेरो के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है इस गाड़ी में। लोग पहले TVO 100 को थोड़ा अलग नज़रिए से देखते थे, लेकिन अभी ये गाड़ी थोड़ा एकदम अच्छी है। इसमें ये वैनिटी मिरर भी दिया हुआ है पैसेंजर साइड, इधर ड्राइवर साइड में सिर्फ टिकट होल्डर है और कुछ नहीं है। अभी आप देख सकते हो इसमें काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम भी इसका डिसेंट है, अच्छा है। इसमें डैड पेडल भी कंपनी के द्वारा दिए गए जो कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाई रहा हूँ। स्टोरेज भी काफ़ी हद तक काफ़ी दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, 10-11 लाख की रेंज में बहुत बढ़िया गाड़ी है। इसमें एक फंक्शन आपको इसमें वो भी देखने को मिलेगा कि जब गाड़ी चलती है और गाड़ी का पीछे का साइड, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है तो गाड़ी का जो पीछे का एक टायर लॉक हो जाता है, अगर वो गाड़ी का टायर उठ जाता है तो ऑटोमेटिक कंपनी और दूसरे वो लॉक हुए टायर की पावर दूसरे टायर में चली जाती है, तो गाड़ी के फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये गाड़ी के ट्रिप्स हैं, इसका डैशबोर्ड है जो कि मैनुअल है, जो कि अक्सर महिंद्रा की सभी देसी SUVs में के बेस मॉडल में आपको देखने को मिल ही जाएगा। सीट इसका लेदर रैप नहीं है, रेक्जिन टाइप का है, अच्छा है लेकिन ठीक है। ये इसके ट्विटर्स हैं छोटे म्यूजिक सिस्टम को और अच्छा करने के लिए। ये इसमें 4 स्पीकर दिए हुए हैं कंपनी के द्वारा, ये आप देख सकते हो इसका ये स्पीकर, बीच में कोई स्पीकर नहीं है मिडल रो पे, बाकी 2 स्पीकर इसमें पीछे की साइड दिए हुए हैं। ये अब इसका बैक साइड आप देख लो, ये 7 सीटर है, ये इसका ग्रैप हैंडल है और ये इसका ओपन एंड क्लोज का है। इसमें ये डिफॉगर दिए हुए हैं कंपनी के द्वारा जो आप देख सकते हो, इसके पीछे इसमें वाइपर भी कंपनी के द्वारा दिए गए। बहुत अच्छी बात है कि कंपनी डिफॉगर के साथ साथ वाइपर दे रही है, आजकल बहुत सारी कंपनियां सिर्फ डिफॉगर देती हैं वाइपर नहीं देती। 7 सीटर गाड़ी है तो 2 सीट हैं इसमें, पीछे साइड फेसिंग सीट्स हैं दोनों, एक दूसरे की साइड है, अच्छा मैनेज किया हुआ है कंपनी के द्वारा इसमें सीटिंग पोजीशन को। ग्रैप हैंडल है आपको ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए, यह आप देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों एक बार मौका मिले तो ज़रूर इसको चला के देखना, अगर आप थोड़े से रूरल एरिया में अगर आपका आवागमन रहता है तो, क्योंकि इसका इंजन इसमें अब 1415 CC का दे दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है उस इंजन की, काफ़ी अच्छा पिकअप है इसमें। सीट्स में कंपनी के द्वारा स्पेस थोड़ा
है, लेकिन अगर आपका 6 फिट से ज़्यादा हाइट है तो फिर काफ़ी कम आपको स्पेस इसमें देखने को मिलेगा। ये इसमें आप पीछे से देख सकते हो, मिडिल रो से इसका फ्रंट का डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है। ठीक है, एकदम देसी एसयूवी के अकॉर्डिंग। इसमें जितने भी इसके डोर हैंडल हैं, एक पीछे बैक डोर को छोड़ के बाकी में सभी में एक क्रोम फिनिश का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। विंडो अप एंड डाउन के ये स्विचेज हैं जो कि आप देख सकते हो। दोस्तों, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी ये गाड़ी, आप भी इसको एक बार ज़रूर देखो। इसके मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ। गाड़ी में आपको 1493 का सीसी का इंजन मिल जाता है। 17.2 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी माइलेज करती है। गाड़ी के जो 1.4 लीटर एमोक 100 BHP का इसमें पावर है। 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। रियल व्हील ड्राइव है, 5 गियर है, आइडल स्टार्ट।